जी हाँ, यहाँ तक कि जेडीयू के भी लोग चाह रहे थे, लेकिन मैडम को कुछ था, ये नहीं कि आप हमको टिकट दे दीजिए, उसी में काम गड़बड़ा गया जी। लेकिन उनको बहुत कुछ सोचने के बाद, एक होता नहीं, घर परिवार आदमी तकलीफ में छोड़ता है लेकिन माने आह तो रहता है ना जी, बनाया हुआ घर कोई छोड़ता है अगर तो ज़रूर दर्द होता है। तो दर्द मैडमों का नहीं, हम सभी कार्यकर्ताओं को भी था, ताकि हम लोग भी 30 बरस, हमने 30 बरस से राष्ट्रीय जनता दल में हमने भी सेवा की। उनको तय करना है, अगर 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में तेजस्वी जी, लालू जी, जिसको अगर टिकट देंगे, मैडम पार्टी के साथ कभी उन्होंने गद्दारी नहीं किया, ना साबदीन से किया, तो नहीं कुछ ढंग से आपको टिकट का वितरण करना पड़ेगा। थोपना होगा कि हमारे बहुत क्लोज्ड है संजय सिंह को टिकट दे दीजिए आ सीट लूज हो जाए तो इससे क्या फायदा। मान लीजिए सीमान विधानसभा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम चौधरी जी का सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, गार्जियन समान हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से और तेजस्वी जी से कहेंगे कि सीवान ही नहीं पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र का आप अवलोकन करा लेंगे। लालू जी केवल बात कर लिए होते ना राज्यसभा भेजने के पहले, मैडम तो थोड़ा बात कर लिए होते कि ना जी हम इनको भेज रहे हैं, चला दिया गया मीडिया का, पूछ दिए तो जान लीजिए। कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे बिहार से उठने लगा कि मैडम मीना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, हम भी मांग किए थे और मीडिया इतना ना इसको माने ई कर दिया, तो मैडम को थोड़ा एक तमहीनी टाइप का नहीं होता है, थोड़ा वही हुआ, समझ गए ना। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को OPD बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। परिवार चाहता था कि ये RJD से चुनाव लड़े। जी हाँ, यहाँ तक कि JDU के भी लोग चाह रहे थे, लेकिन मैडम को कुछ था, ये नहीं कि आप हमको टिकट दे दीजिए, उसी में काम गड़बड़ा गया। लेकिन उनको बहुत कुछ सोचने के बाद, एक होता नहीं, घर परिवार आदमी तकलीफ में छोड़ता है लेकिन माने आह तो रहता है ना जी, बनाया हुआ घर कोई छोड़ता है अगर तो ज़रूर दर्द होता है। तो दर्द मैडमों का नहीं, हम सभी कार्यकर्ताओं को भी था, ताकि हम लोग भी 30 बरस, हमने 30 बरस से राष्ट्रीय जनता दल में हमने भी सेवा किया है, हमने भी खून पसीना बहाया है, चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे किसी प्रकार का चुनाव हो, पार्टी से जो आया है, जिस जाति का आया, जिस धर्म का आया, हम लोग तन मन धन से मदद किए हैं। आप बंटी जी तो आप देखे होंगे, तो रहा बात कि हम लोग भी था, लेकिन जहाँ हमारा नेता रहेंगे वहीं हम लोग रहेंगे। साहबुद्दीन साहब जहाँ थे हम उनके साथ हैं, नहीं हैं हम परिवार के साथ। तो ये जो दर्द आप बोल रहे हैं कि हमें भी है, साहबुद्दीन साहब के परिवार को भी था, तो 2025 में चुनाव होने वाला है और कल तक जो लोग मैडम के सामने खड़े थे, यानी कि अवध बिहारी चौधरी RJD के उम्मीदवार थे, हिना साहब निर्दलीय लड़ी, तो क्या ये दर्द उस समय दिखाई देगा या सब कुछ समाप्त हो गया है? देखिए, हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व अगर जो तय करके, उनको तय करना है, अगर 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में तेजस्वी जी, लालू जी, जिसको अगर टिकट देंगे, मैडम पार्टी के साथ कभी उन्होंने गद्दारी नहीं किया, ना साबदीन से किया, ना ही लोग करेंगे।
लेकिन पार्टी को भी हम कहेंगे सोच समझ करके टिकट देना चाहिए, सर्वे करा लेना चाहिए, किनका छवि क्या है, सरकार बनाना है, सीट निकालना है तो उस ढंग से आपको टिकट का वितरण करना पड़ेगा। थोपना होगा कि हमारे बहुत क्लोज है संजय सिंह को टिकट दे दीजिए आ सीट लूज हो जाए तो इससे क्या फायदा होगा। मतलब तो कि ये ज़्यादा ज़्यादातर आप किस सीट पर बात कर रहे हैं, विशेष विशेष करके चाहे वो सिवान हो, रघुनाथपुर हो, बहड़िया हो, महाराजगंज हो, धुरौंधा हो, आपके जीरा देई हो, दरौली हो, ये आठ विधानसभा है ना, आठ विधानसभा में जो राष्ट्रीय जनता दल का जो भी सीट पर लड़ेगा, हम राष्ट्रीय जन महागठबंधन के द्वारा जो होगा ना कि कौन सीट महागठबंधन किस घटक दल को जा रहा है, तो उस पर मंथन और चिंतन करना चाहिए कि मान लीजिए सिवान विधानसभा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम चौधरी जी का सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, गार्जियन समान हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से और तेजस्वी जी से कहेंगे कि सिवान ही नहीं पूरे आठों विधानसभा क्षेत्र का आप अवलोकन करा लेंगे, आप उसका सर्वे करा लेंगे, आपका जो प्रत्याशी चाहे जित जाति धर्म का से आता हो, प्रत्याशी वैसा होना चाहिए कि जो जीत कराए और उसको टिकट दे और निश्चित रूप से सिवान के आठों विधानसभा जीता जाएगा। संजय जी आप तो काफ़ी करीबी हैं, काफ़ी करीब रहते हैं शाहबुद्दीन परिवार से, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो दूरियां समाप्त हुई है क्या लालू परिवार से समाप्त हुई है या फिर और बिहारी चौधरी से भी समाप्त हुई, क्योंकि ये तो आमने सामने चुनाव भी लड़े थे। नहीं नहीं मैडम को व्यक्ति किसी व्यक्ति से थोड़े कोई नाराजगी है, थोड़ी सी चुनाव को लेकर के मैंने किसी व्यक्ति से चाहे वो कोई सिवान के नेता हो चाहे वो चौधरी जी हों चाहे कोनो झूठ डाल का झगड़ा थोड़े है, सिद्धांत की बात है, मैडम अपना चुनाव लड़ गई लेकिन किसी से व्यक्तिगत उनका कोई द्वेष तो है नहीं, वो सबका सम्मान करती हैं। आप देखें हमें चुनाव में चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, मैडम का मैंने स्नेह प्रेम उनके साथ थोड़ा बहुत सबका रहा है इस विधान लोकसभा चुनाव में, चाहे जिस दल से कोई आता हो, हम ही नहीं कहेंगे, हर दल के नेता खर्चकर्ता का था उसमें, ऐसा नहीं था उनका व्यक्तिगत जो संबंध तो है। फिर से एक बार और बिहारी चौधरी को अगर टिकट पार्टी अगर देती है तो हिना साहब और सामा साहब उनके लिए फिर से एकदम लग जाएंगे। अरे भाई बिल्कुल सिद्धांतवादी लोग हैं, हम तो आपसे बोले ना कि पार्टी को टिकट सोच समझ कर देना चाहिए, जो जिसको देना है आप पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तेजस्वी जी जो बिहार के नए भविष्य हैं, हम लोग के सीएम मटेरियल हैं, सीएम के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, तो उनको तो देख सोच समझ करके टिकट करना चाहिए। हम तो नहीं कह रहे हैं कि किसको देंगे, चौधरी जी को देंगे कि किसको देंगे, लेकिन जिसको दें उसका सर्वे करा लेंगे कि हाँ वो सीट निकल जाए। वापसी इन लोगों की जब नहीं हुई थी हिना साहब की और उसामा साहब की आरजेडी में, तो एक चीज़ देखने को मिल रहा था कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज उसमें माइनॉरिटी का ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा था और तादाद बढ़ते भी जा रहे थे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब हिना साहब के आरजेडी में वापस आने से माइनॉरिटी क्या दूसरे तरफ मुड़ करके देखेगा या हिना साहब के कहने पर एक इशारे पर खड़ा रहेगा? देखिए माइनॉरिटी का नाराजगी था, ये परिवार जब अलग माने थोड़ा दिन के लिए अलग जब हुए थे तो मंडेटी में तो था मंडेटी, अब धीरे धीरे मैंने आपको क्या कहा विखंडित होते जा रहा था, समझ गए ना, उसी में थोड़ा प्रशांत किशोर जी का मैंने ये आया, लेकिन फिर इसको लालू जी और तेजस्वी जी ने संभाल लिया, परिवार मैडम हिना साहब समय पर हम पार्टी में फिर आ गए, तो हमको नहीं लगता है कि अब, ताकि आप देखते होंगे हम तो बराबर मैंने कोई भी चैनल में अब नहीं देख रहे हैं कि मैंने लालू जी के खिलाफ या राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ या तेजस्वी जी के खिलाफ बिहार की कोई भी मुंडिटी का कोई गलत थलत बयान दे रहा, जबकि पहले खूब चलता था, पूरा नाराजगी था, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो गया है और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलिए अंतिम सवाल अब संजय जी कि आखिर नाराजगी किस बात की थी ये अब थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ समाप्त हो ही गया और आपसे ज़्यादा हमें लग रहा है कि कोई नहीं बता पाएगा। देखिए नाराजगी का बात मैंने
क्या कहा जाए, मैंने हमको लग रहा है कि संवाद की कमी हो गई थी, दूसरा कुछ नहीं था। आपसी जो संवाद होती है उसको संवाद की कमी हो गई, दूसरा कुछ वजह नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ मांगे हों ये लोग नहीं दिए हों उसके लिए नाराज हुए हों, इस सब इस तरह की कोई बात नहीं है। इस तरह की कोई बात ना, पद का तो कभी लोग ना पार्टी टिकट का मांग करते हैं लो, ना किसी पद का मांग, ये तो सच्चाई है 100%। वो समय भी जो हुआ था ना, वो लोग कार्यकर्ताओं का हुआ था राज्यसभा वाला। लेकिन एक बात का दुख था, लेकिन उस को अगर लालू जी केवल बात कर लिए होते ना राज्यसभा भेजने के पहले, मैडम से थोड़ा बात कर लिए होते कि ना जी हम इनको भेज रहे हैं, चला दिया गया मीडिया, अगर पूछ दिए तो जान लीजिए कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे बिहार से उठने लगा कि मैडम मीना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। हम भी मांग किए थे और मीडिया इतना ना इसको माने ई कर दिया, तो मैडम को थोड़ा एक तमहीनी टाइप का नहीं होता है, थोड़ा वही हुआ, समझ गए ना। केवल लालू जी पूछ दिए होते, कह दिए होते, बस इतना ही का अंतर था। दूसरा वही से थोड़ी सी दूरियां पड़ने लगी, वही मन माने बातचीत बंद हो गया, दूसरा कुछ नहीं, केवल बातचीत बंद हुआ है, दूसरा कुछ नहीं। तो अभी तो परिवार दिल्ली है, उषमा साहब और हिना साहब ये लोग दिल्ली में है, क्या कुछ बातचीत हुई है, ये लोग कब तक आएंगे, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, आरजेडी को और कैसे मजबूत करना है, किस तरीके से करेंगे? अरे आरजेडी के मैडम के साथ जो लोग थे, जो चाहने वाले थे, वो जिस तरह वो वापस गए हैं, सब लोग उनके साथ वापस चले आए। वो लोग जहाँ रहेंगे तो है ना, सब लोग रहेगा, हम लोग रहेंगे। मतलब ज्वाइन करने के बाद से कुछ आप लोग से बातचीत हुई है फोन उन पर? हाँ हाँ, वो उषमा जी को लड़का हुआ था तो हम लोग बधाई उधाई दिए, और हमको लग रहा है कि लोग सिवान आ गए होंगे, अच्छा आजकल में आ जाएंगे। तो अगर रघुनाथपुर से उषमा साहब चुनाव लड़ते हैं तो फिर हरिशंकर यादव कहाँ जाएंगे? अब देखिए, हम आपसे बोले ना, पार्टी शेष नेतृत्व की बात है, कौन कहाँ जाएंगे देखिए। ये अच्छा बताइए, हरिशंकर यादव जी को लड़ाया कौन? साबुद्दीन से हमने लड़ाए, टिकट उनको लालू जी से कह के साबुद्दीन से हमने दिलवाए, फिर एक बार नहीं दो बार भी कह दिया कि आप ही को लड़ना है। लालू जी चाह रहे थे कि ना मैडम हिना साहब लड़े, चाहे उषमा जी लड़े, मिल भी चुका था पटना से, उनको भेज दिया कि जाइए उन लोगों का पेपर लाइए। हरिशंकर यादव जी बेचारे आए अपना, फिर जेल से उनसे संपर्क हुआ, तिहाड़ जेल में थे, कहे नहीं नहीं जो कह देते हैं वो हम वही करते हैं। अथी कई हरिशंकर यादव भाई को लेकर जाकर टिकट लेने जाए, फिर गए तो बारह जाके टिकट आके लड़े, तो सिद्धांतवादी लोग रह गया बात कि अब हरिशंकर यादव इसे हम कहेंगे कि ऐसे उनको खुद कहना चाहिए कि आगे करके कि उषमा जी को टिकट दिया जाए। उषमा जी, हरिशंकर जी का तो बयान आया भी था, हम लोगों ने खुद लिया था जिस दिन ज्वाइनिंग इन लोगों की हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर उषमा साहब आते हैं तो हम तन मन धन से खड़े रहेंगे काहे नहीं। कहा था कि भाई साहबुद्दीन जी ने उन्हीं का देना है कि हमको दो बार विधायक। हम बात सही है, काहे नहीं रहेंगे। अगर अब देखिए वैसे लोग बदल जाए तो मैंने बहुत आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान, मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान, मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।